दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ नया वीडियो, जो मैं आगे वाले वीडियो पे बता रहा था। हमारा इस टीवी पे जो प्रॉब्लम था पावर सेक्शन का, वो पावर सेक्शन का पहले मैंने जब चेक किया तो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज प्रॉब्लम था। वो स्टार्टिंग वोल्टेज को रेडी करने के बाद हमारा इस पर थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्टेज तक आ रहा है, लेकिन हमारा पूरी तरह से जो 110 वोल्ट बनना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। इसीलिए मैंने दूसरा वाला वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हमारे वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसका वीडियो को फिर से चालू करता हूँ। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम रह गया है, ये स्टार्टिंग वोल्टेज तो तैयार कर दिया लेकिन रनिंग वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा है। ये रनिंग वोल्टेज को तैयार करने के लिए क्या होता है, हमारा फीडबैक सिस्टम को सही करना पड़ता है। फीडबैक सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, ये जो हमारा थोड़ा सा जो वोल्टेज दे रहा है इसको हमारा फोटोकॉपलर से सेंस आएगा एसटीआर को, तभी हमारा ये वाला वोल्टेज तैयार कर पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, फोटोकॉपलर सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। हमारा फोटोकॉपलर सेक्शन जो सेंस जो फीडबैक सिस्टम दिया गया है, फीडबैक सिस्टम पर क्या क्या है। हमारे एसटीआर से एक फीडबैक सिस्टम निकलता है जो हमारा आता है फोटोकॉपलर को। एसटीआर से फोटोकॉपलर के आने के बाद ये सेंस भेजता है, जो सेंस आता है हमारा कहाँ से, एक ट्रांजिस्टर से। ये ट्रांजिस्टर हमारा आता है क्या, ये वाला जो 110 वोल्ट से 2 रेजिस्टर लगा के हमारा ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया गया है, और हमारा मेन सिस्टम से एक फीडबैक आया है जो हमारा कंट्रोल में देता है, जो स्टैंड बाई करने के लिए समय काम देता है। इसीलिए ये फीडबैक सिस्टम को काम करना देखना पड़ेगा, ये फीडबैक सिस्टम हमारा कहाँ पर ख़राब है। फीडबैक सिस्टम को सही कर देने से हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फीडबैक सिस्टम को चेक करने के लिए ये वाला फोटोकॉपलर भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये फोटोकॉपलर ख़राब हो सकता है। प्राय हमारा 50% प्रॉब्लम पे, जो 100% सिस्टम पे हमारा 50% हमारा ये वाला फोटोकॉपलर हमारा ख़राब हो जाता है। इसीलिए एक फोटोकॉपलर को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद देखेंगे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज नहीं बन पा रहा है वो वाला वोल्टेज बनता है क्या नहीं, क्योंकि हमारा एसटीआर हमारा सही है, आउटपुट वोल्टेज भी सही है। ये फोटोकॉपलर सेक्शन पे जब तक सेंस नहीं पहुंचेगा हमारा एसटीआर को, तब तक हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बन पाएगा। इसीलिए वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसीलिए फीडबैक सिस्टम को ये फोटोकॉपलर को फोटोकॉपलर शायद सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको चेंज कर देते हैं। दोस्तों मैंने ये फोटोकॉपलर को चेंज कर दिया हूँ। चेंज करने के बाद ये वाला फोटोकॉपलर हमारा था, और ये दूसरा वाला फोटोकॉपलर लगा चुका हूँ। ये वाला फोटोकॉपलर का नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को शायद पता है हमारा सैमसंग वीडियोकॉन पे कैसा फोटोकॉपलर लगता है। फोटोकॉपलर का नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका नंबर बता देता हूँ। इसका नंबर 817 का ये वाला फोटोकॉपलर था। ये फोटोकॉपलर के बदले में मैंने एक फोटोकॉपलर लगा चुका हूँ, यही नंबर का फोटोकॉपलर लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखते हैं हमारा जो 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 प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम रह गया है, मतलब हमारा फोटोकॉपलर अभी तक ख़राब नहीं है। वो फोटोकॉपलर ख़राब होता तो हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम नहीं रहता, चेंज कर देने के बाद हमारा सिस्टम सही हो जाता। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अभी तक वही प्रॉब्लम दिख रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज बंद पड़ जा रहा है, और पूरी तरह से जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, ये फोटोकॉपलर सेक्शन पर और क्या है, ये फोटोकॉपलर सेक्शन पर जो फीडबैक सिस्टम है, फोटोकॉपलर के बाद ये वाला रेजिस्टेंस रहता है और हमारा एक ट्रांजिस्टर रहता है। ये ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस कुछ भी खराब हो सकता है, इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो वोल्टेज आ रहा है, ये थोड़ा सा वोल्टेज हमारा फीडबैक से फोटोकॉपलर सेक्शन से फीडबैक देना चाहिए था, वो वाला फीडबैक नहीं पहुँच पा रहा है एसटीआर को, इसीलिए ट्रांजिस्टर को भी चेंज करना पड़ सकता है। इसीलिए इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा वोल्टेज आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, ये ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ट्रांजिस्टर को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन किया, इसका नंबर शायद देख सकते KIA
431B, ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर था। इस ट्रांजिस्टर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जो हमारा सिस्टम को सप्लाई दिया जाता है, वो वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैंने एक नया वाला ट्रांजिस्टर लिया। और ट्रांजिस्टर लेने के बाद वही नंबर, वही वर्सन का, इसका नंबर थोड़ा सा चेंज है, जो देख सकते हैं KA431AZ, ए वाला और ओ वाला जो 431B, ए वाला सेम वर्सन का हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, ये नया वाला ट्रांजिस्टर को इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने नया वाला ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ इस पुराना वाला ट्रांजिस्टर के बदले में। उसके बाद क्या करते हैं, इसका वोल्टेज फिर से चेक करेंगे। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा सिस्टम पे देखिए, हमारा 100 वाट लैंप जल चुका है, मतलब हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज पहुँच चुका है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज चेक करने से पता चल जाएगा। ये वाला देखिए, हमारा इस वाला पॉइंट पे जो 110 वोल्ट होना चाहिए वो 116 दिख रहा है। उसके बाद और एक वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं, जो इस वाला पॉइंट पे होता है वो वाला पॉइंट पे 12 वोल्ट दिख रहा है, और एक वोल्टेज होता है इस पे आता है हमारा 17 वोल्ट। मतलब दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था वोल्टेज का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और हमारा टीवी पे जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन का जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज था उसको रेडी किया, उसके बाद जो रनिंग वोल्टेज होना चाहिए वो रनिंग वोल्टेज हमारा फीडबैक सिस्टम से आता है। फीडबैक सिस्टम जब तक काम नहीं करेगा, हमारा जो रनिंग वोल्टेज होता है रनिंग वोल्टेज भी काम नहीं करेगा। उसके लिए मैं फीडबैक सिस्टम को सही कर दिया, और ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब निकला, और ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने से हमारा वोल्टेज सही तरीके से आ चुका है। उसके बाद इसको कनेक्ट करने से हमारा ESD भी ऑन हो जाएगा और टीवी भी रनिंग हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने टीवी पे कनेक्ट करके आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने एक टेस्टिंग ट्यूब पे इसको कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद इस पे देखूँगा हमारा टीवी पे पिक्चर कैसे आता है। दोस्तों मैंने टीवी पे कनेक्ट करने के बाद इसको जब मैंने पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है, और जलने के बाद इसको रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद हमारा टीवी पे स्टार्टिंग हो जाता, टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग होने के बाद जो जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज भी रनिंग हो जाता है, और देखिए हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है, वो पूरा सा पूरा जो हमारा फॉग जैसा हमारा पिक्चर, जो हमारा कोहरा जैसा पिक्चर आ रहा है, जो धुआं सा और हमारा व्हाइट के ऊपर पिक्चर है। लेकिन जब मैंने इसको जब स्विच को दबाता हूँ, देखिए अंदर में थोड़ा सा एक पिक्चर दिख रहा है, जो हमारा क्लियरनेस नहीं है, क्योंकि एक क्लियरनेस नहीं है। मैं इसको मेनू बटन दबाता हूँ, देखिए तो हमारा अंदर में पिक्चर है, लेकिन हमारा पूरी तरह से क्लियर दिख नहीं रहा है, वो अंदर में ही धुआं सा एक पिक्चर दिख रहा है, जो हमारा क्लियर होना चाहिए था। इसके लिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे, जो हमारा सिस्टम पे ESD को सप्लाई जाने के बाद, ESD पे सप्लाई जाने के बाद ये तो हमारा 110 वोल्ट आ चुका है, 116। उसके बाद एक वोल्टेज तैयार होता है जो हमारा 118 होता है, वो बोला वोल्टेज आ चुका है। और एक हमारा 3 से 4 वोल्ट होता है, जो हमारा फिलामेंट को चालू करने के लिए, वो तो है हो गया है। लेकिन हमारा और एक वोल्टेज होता है जो ABL कनेक्शन के लिए, ABL कनेक्शन पे भी चेक कर लेते हैं, जो ESD पे ABL होता है वो 8.6 दिख रहा है, मतलब हमारा ABL पे पिक्चर भी वोल्टेज भी है। उसके बाद भी हमारा पिक्चर क्लियरनेस नहीं है, क्योंकि ये वाला बेस हमारा खराब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, एक बेस को लेंगे, नया वाला बेस लेंगे, और बेस लेने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे, नया वाला बेस कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर देने के बाद देखेंगे हमारा पिक्चर कैसे आ रहा है। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला बेस को चेंज करने के बाद ये वाला नया वाला बेस कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट कर देने के बाद फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद पता चलेगा हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हमारा धुआं सा पिक्चर आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ, पावर देने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर लेता हूँ। रिलीज कर देने के बाद हमारा फिलामेंट ऑन हो चुका है, मतलब हमारा टीवी भी स्टार्टिंग हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा टीवी पे जो हमारा AB लिखा आ रहा है वो क्लियरनेस आ चुका है, जो हमारा AB लिखा जो धुआं सा दिख रहा था अंदर में वो भी हमारा क्लियर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा, पहले तो मैंने देखा टीवी पूरी तरह से डेड होके आया था,
और डेट देख के मैंने पावर सेक्शन को मैंने चेक किया तो पावर सेक्शन हमारा ख़राब निकला। पावर सेक्शन पे जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज होता है वो स्टार्टिंग वोल्टेज प्रॉब्लम था, और स्टार्टिंग वोल्टेज को मैंने सही कर देने के बाद हमारा रनिंग वोल्टेज प्रॉब्लम दे रहा था, उसको मैंने फीडबैक सिस्टम को जाने जब मैंने चेक किया तो फीडबैक सिस्टम ख़राब निकला। फीडबैक सिस्टम को सही कर देने के बाद हमारा पावर सेक्शन रनिंग हो गया है, और रनिंग वोल्टेज आने के बाद हमारा ESD भी रनिंग हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब एक ट्यूब पे मेरे टेस्टिंग ट्यूब पे मैंने कनेक्ट किया तो हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर हमारा धुआं सा दिख रहा था और हमारा पिक्चर क्लियर नहीं था। वो वाला प्रॉब्लम जब मैंने देखा तो ये वाला बेस को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, और चेंज कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर भी क्लियर आ गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और मैंने इसको ए भी लगा के पिक्चर देख लेते हैं। दोस्तों मैंने टीवी पे ए भी कनेक्ट कर चुका हूँ, और ए भी कनेक्ट कर देने के बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।